दोस्तों भारत को वर्ल्ड कप जीते दो दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर खुशी है कि रत्ती भर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पहले तो 10 सेकंड मुझे ये रियलाइज करने में लग गए कि भाई क्या कल सच में जीत गए थे, मैंने रात को कोई सपना तो नहीं देखा था। हालत ये है कि मैच हाइलाइट्स में भी जब मैं सूर्या को मिलर का कैच लेते हुए देखता हूं तो वैसे उछल पड़ता हूं जैसे लाइव मैच में उछला था। अर्शदीप ने 19वें ओवर में डॉट बॉल डाली थी तो मैंने मैच हाइलाइट्स में भी ताली बजा दी। जब से मैच खत्म हुआ है एक एक प्लेयर की इंस्टा स्टोरी चेक कर चुका हूं, दुनिया भर की मीडिया ने इस पर क्या बोला है वो सुन चुका हूं। मैच के बाद टीम इंडिया की सेलिब्रेशन को 20 बार देख चुका हूं और जब भी रोहित शर्मा को जमीन को चूमते हुए देखता हूं तो इमोशनल हो जाता हूं। जब भी द्रविड़ को हाथ में ट्रॉफी लेकर बच्चों की तरह चिल्लाते देखता हूं तो खुद के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और हर बार दिल से ऊपर वाले के लिए थैंक यू निकलता है कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हम क्रिकेट फैंस को ये दिन दिखाया। मगर जैसा कि हर बारात में एक नाराज फूफा होता है जो कि किसी न किसी बात से नाराज होता है, उसे रसमलाई का रस या तो बासी लग रहा होता है या उसे दूल्हे की शेरवानी किराए की लग रही होती है, जो बाकी बारातियों के पास जा जाकर पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है दुल्हन भेंगी है, उसी तरह भारत की इस जीत के बाद बहुत सारे हमारे प्यारे पड़ोसी नाराज फूफा बन गए। करने को तो इनके पास पहले भी कोई काम धाम नहीं था और जो थोड़ा बहुत था भी वो भी काम को छोड़कर अब दिन रात भारत की जीत में साजिश ढूंढने लगे ये लोग। मतलब माना कि पड़ोसी के जीतने पर जेलेसी होती है, मगर उस जेलेसी में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम्हारे सिर पर 100 जूते मारने का दिल करे। बात तो सही है। अब आप देखिए इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव के आखिरी कैच की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे किसी बड़े मैच में पकड़ा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट कैच बता रहे हैं, लोग इस कैच का कंपैरिजन 83 के फाइनल मैच में पकड़े कपिल देव के कैच से कर रहे हैं, मगर हमारे पड़ोसियों ने इसमें भी साजिश ढूंढ ली है। क्या कह रहे हैं ये भूतिए है, आप खुद ही सुनिए। मैच में दिखा देता हूँ, सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाजे दिखा। अरे वाह चचा, गजब ही मूर्ख आदमी हो यार। मतलब तुम पिक्चर दिखाकर ये साबित कर रहे हो कि जहां सूर्य ने कैच पकड़ा वहां रोप हिली हुई है, मतलब सूर्य का पैर लगा था। अरे अकल के दुश्मन, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि रोप हर जगह बराबर नहीं लगी होती, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लगी होती। और चमन भूती है, अगर रोप सूर्य के कैच लेने के टाइम हिली है तो हमें रिप्ले के टाइम क्यों नजर नहीं आ रही। माना कि तुम अकल के अंधे हो मगर आंख तो तुम्हारी काम कर ही रही है। जब सूर्या कैच पकड़ रहे थे तब तो उनका पैर रोप को नहीं टच कर रहा था। अगर उस कैच से पहले ही रोप 5-6 सेंटीमीटर पीछे गई हुई है तो इसका ये मतलब हो गया कि सूर्या ने कैच लेते टाइम उसे हिलाया। कैसे इतने गधे हो सकते हो बे? गजब बेइज्जती है। तुम्हें हिली हुई रोप दिख रही है मगर 5000 बार रिप्ले दिखने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्या ने किस तरह कैच लेने के टाइम अपने पैर को रोप से दूर रखा है। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले बॉल को हवा में अंदर फेंका, खुद का बैलेंस बनाया और दोबारा अंदर आकर बॉल को कैच किया। और ये सब तब हुआ जब उनका पैर आधा इंच भी रोप से नहीं लगा। और वो जो तुम्हारा चचा है, जो थर्ड अंपायर है, जो ऊपर 250 कैमरे लेकर बैठा है, जिसने 5 मिनट में 20 रिप्ले देखकर डिसाइड किया कि सूर्या ने पैर नहीं लगाया, क्या वो भी तुम्हारी तरह अंधा है? भाई यकीन मानो अंधा वो नहीं है, तुम हो, वो भी अकल के। मगर तुम लोग इतने बेगैरत तो कि अपनी चिड़ में झूठी साजिशें ढूंढ रहे हो, कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हो और ये भारत की इस जीत पर आईसीसी को गालियां दे रहे हैं। बताइए, इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए, एक सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। मगर मजे की बात यह है कि भारत की इस जीत में यानी बेगानी शादी में एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी अब्दुल्ला जमीन पर लोट लोट कर अपने कपड़े फाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो अफ्रीकी टीम ये मैच हारी है, जिस अफ्रीकी टीम के प्लेयर मिलर का कैच सूर्या ने पकड़ा, उसी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर्स को इस कैच से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहे हैं कि ये कैच पूरी तरह से क्लीन था। अब क्या कुछ बचता है कहने के लिए बताइए, मगर नहीं, ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी जानबूझकर अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे वर्ल्ड कप में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी साजिशें ढूंढते हैं। अब बेचारे करते भी क्या, खुद उनकी टीम तो पहली फुर्सत में निकलकर कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। करने के लिए कोई काम धाम बचा नहीं था तो इन्हें लगा चलो भारत की जीत को बदनाम करते हैं। इसी तरह इंजी भाई और सलीम मलिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवाने के लिए बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। भला आप सोचिए कौन बोल रहा है ये बात, वो सलीम मलिक जो खुद सारी जिंदगी मैच फिक्सिंग करते रहे, वो इंजमाम जो विदेशी टूर पर जाकर लोगों को धर्म बदलवाते फिरते थे, और ये लोग हमें स्पोर्टिंग स्पिरिट पर, गेम के एथिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे राहुल गांधी कल को परिवारवाद के नुकसान पर हमें ज्ञान देने लगे हैं। मैचेस पकड़े जाते हैं तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई भी थी। खत्म। मतलब हद होती है यार नीचता की।
हिंदी में कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई लोगों, खुद तुम्हारी टीम अमेरिका जैसी टीम से जीत नहीं पा रही है, खुद तुम्हारे बल्लेबाजों को आयरलैंड को हराने में नानी याद आ रही है, खुद तुम्हारी फर्जी टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन तक नहीं चेस कर पा रही है, और तुम हो कि दूसरों को क्रिकेट पर ज्ञान दे रहे हो। गैरी कर्स्टन तुम्हारी टीम के कोच है ना, भूल गए वर्ल्ड कप हारने के बाद क्या कहा था कर्स्टन ने? कर्स्टन बेचारे को यह कहना पड़ा कि मैं दुनिया की इतनी टीमों को कोच कर चुका हूं, खुद इतनी टीमों से खेला हूं, मगर मैंने आज तक इतनी बंटी हुई टीम नहीं देखी जहां टीम के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स है। मतलब एक तरह जहां तुम्हारी टीम में सच में साजिशें हो रही हैं, सच में पॉलिटिक्स है, तुम उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे। और जो अर्शदीप और बुमराह आज वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तुम अपनी गंदी नजरें लेकर उनके काम में नुक्स निकाल रहे हो, एक तरह से बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाकर उनको विलेन बना रहे हो। अरे कुछ शर्म हया है या उसे भी बेचकर मोहल्ले की रेडी से दो अंडों का ऑमलेट खा गए हो? बताओ, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई बुमराह जो है उस पर मैं तो क्या ही कहूँ। अर्शदीप का सुन लो, अर्शदीप को अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया, अभी जुमा जुमा 2 साल हुए, मगर इन 2 सालों में वो 4 में से 3 टूर्नामेंट में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। इस आईसीसी वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए, 2022 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, और इस बीच एशिया कप हुआ था उसमें भी सबसे ज्यादा विकेट उसी के थे। ये लेवल है उस बंदे का, और तुम्हें लग रहा है कि वो सब कुछ चीटिंग करके कर रहा है और अकल सिर्फ तुम्हारे में, बाकी टीमें मुंह में लॉलीपॉप ठूस कर उसे चूस रही है। अर्शदीप चीटिंग कर रहा है तो आईसीसी उसे करने दे रही है, और आईसीसी के मैच रेफरी बीसीसीआई की पिलाई भांग पीकर सो रहे हैं। कुछ भी लगता है कि जैसा फर्जीवाड़ा तुम्हारे मुल्क में चल रहा है पूरी दुनिया भी वैसी बिकी हुई है। कुछ भी इस बात को समझो भैया, दुनिया में हुनर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुम्हारे पुराने बॉलर बॉल को खराब करके स्विंग करते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही यही कर रही है। हेलो, और ऐसा नहीं है कि इनका कोई एक आध रोना हो तो बंदा चुप हो जाए। जैसे गली मोहल्ले की गंदी नाली होती है ना, जो हर दिन ओवरफ्लो हो जाती है और उसका गंदा पानी सड़क पे आ जाता है, इसी तरह इन लोगों की गंदी जुबान है जिससे हर दिन कोई ना कोई गू निकलता ही रहता है। इनको हर चीज में साजिश नजर आती है। जब भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को रेल दिया तो इनकी शिकायत थी कि अफगानिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, एग्रेसिव नहीं खेलता, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को आईपीएल भी खेलना होता है। कम ऑन, भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया तो इन बकरी चोरों ने कहा कि जिस वेन्यू पर यह मैच हुआ था वहां का बोर्ड प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम है और उसने जानबूझकर इंडिया के हिसाब से पिच तैयार करवाई। अब यही सेमीफाइनल मैच को वेस्ट इंडीज के टाइम से सुबह रखा गया तो इन्हीं बिरयानी चोरों ने शोर मचाया कि देखो इंडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैच को जानबूझकर भारत के टाइम के हिसाब से रखवा रहा है। वो तो बाद में खुद ये खबरें आई थी कि भाई सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है इन मैचों का, सबसे ज्यादा पैसा तो ब्रॉडकास्टर्स का लगा हुआ है, तो आईसीसी भी ये देखेगी ना कि दुनिया का 90% से ज्यादा मार्केट जहां है वहां के लोग मैच कब देखेंगे। मगर ये बातें पाकिस्तानियों को कहां समझ में आती, इन लोगों का क्या कसूर है? ये सब बातें समझने के लिए तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़ाई का इन लोगों से उतना ही वास्ता है जितना उर्फी जावेद का कांजीवरम साड़ी से। और ऐसा नहीं कि हमारे बॉर्डर के वेस्ट साइड में ही हाल खराब है। अगर पाकिस्तान में जहालत की नदियां बह रही हैं तो बांग्लादेश में भी मूर्खता का सैलाब आया हुआ है। आपको याद होगा जब पिछले नवंबर में भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा तो बहुत सारे बांग्लादेशियों ने नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ दिए थे। ये लोग खुशी से वैसे ही पागल हो रहे थे जैसे इन्होंने रिक्शा पर बिठाने के बाद सवारी से 20 रुपए मांगे हो और जाते वक्त सवारी गलती से 200 का नोट दे गई हो। इस बार जहालत के ये सौदागर तैयार बैठे थे कि बस भारत हार जाए और फिर ये लोग नाच नाच कर अपनी फटी हुई बनियान को थोड़ी और फाड़ लें। मतलब आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि एक कौम एक साथ इतने गधे कैसे पैदा कर सकती है, बताइए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मतलब ये लोग भारत को हारता देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठे हैं। मेरा इन लोगों से पहला सवाल ये है कि भाई लोगों, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन आई कैसे? स्क्रीन अगर भारत से चुरा कर भी भागे हो तो तुम्हारे यहाँ बिजली आई कैसे? और अगर बिजली आ भी गई है तो उसी बिजली के थोड़े बहुत झटके अपने दिमाग को भी लगा लो ताकि तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पे आ जाए। मतलब यार सच में इतने वेले कैसे हो सकते हो? यहाँ भारत की टीम अगर हार जाए तो हम टीवी की तरफ झांकते नहीं है। हमारी अप्रोच ये होती है कि भाई जिसको जीतना है जीतो, जिसको हारना है हारो। और तुम मच्छी चोर ऐसे हो कि तुम्हारी क्रिकेट टीम पिछले 2500 साल से क्रिकेट खेल रही है, वो आज तक क्रिकेट खेलना सीख नहीं पाई। मैच तुमसे एक भी जीता नहीं जाता। आज से 30 साल पहले जैसे थे ना डाइपर में खेलने वाले, आज भी तुम्हारी वही औकात है।
एटीट्यूड तुम्हारे प्लेयर्स में चीते जैसा है और उनका गेम मरे हुए चूहे से भी सड़ा हुआ। और तुम लोगों की ये औकात कि भारत के हारने पर हमारा मजाक बनाओ। भारत न होता ना तो आज भी पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रहे होते तुम लोग। हमारा एहसान मानना तो दूर, ऐसे जहरीले मजहबी कीड़े हो कि हमें ही काटने को तैयार रहते हो बे। कैसे बे? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम्हारे जैसों के लिए मैंने कहावत लिखी है, बेगानी बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। सही बात तो सही है। क्योंकि अब्दुल्ला के पास अपना कुछ तो है नहीं जिस पर वो खुश हो पाए। क्योंकि अब्दुल्ला चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, उसे ये मालूम है कि हमारी टीम तो अभी 450 साल भी कुछ नहीं जीतने वाली। तो चलो भारत की हार की ही दुआ कर ले। अंग्रेजी में एक शब्द होता है लो लाइफ, मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें आदमी बहुत ही घटिया हसरतें पालकर जिंदगी जीता है। मैं तुम लोगों की लाइफ देखता हूं और सोचता हूं कि तुम्हारी जिंदगी को फिर मैं बोलूं तो बोलूं क्या? मतलब इतनी गिरी हुई जिंदगी यार, कुछ ढंग का काम करो, पढ़ो लिखो, दुनिया देखो, अपने हुनर पर काम करो, दूसरों से जलना बंद करो। और आप देखिए दोस्तों कितनी बड़ी आयरनी है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश 47 से पहले भारत का हिस्सा थे, उन्हीं दोनों देशों में भारत की जीत पर सबसे ज्यादा छाती कूट मचा हुआ है। इन्हीं मुल्कों में लोगों की हालत काटो तो खून नहीं टाइप हो रखी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है मजहब। मजहब की बिना पर बने ये मुल्क ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हिंदू बहुल भारत इनसे हर फील्ड में इतना आगे कैसे निकल गया। हमारी तरह क्रिकेट इन देशों में भी बहुत पॉपुलर है तो इनका पेट दर्द और ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश की तो क्या ही बात करूं, खुद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश जैसी हो रखी है। वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, ये लोग नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे। ऊपर से भारत पिछले 3 सालों में 4 ICC टूर्नामेंट फाइनल खेल चुकी है। पिछले 10 सालों में लगभग हर ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। और ये बकरी चोर हर बार जलील होते हैं। इन्हें भी पता है कि हम तो जीत नहीं सकते, तो चलो भारत की जीत को ही बदनाम करो। कभी बोल दो ICC भारत के साथ बिकी है, कभी किसी कैच पर क्वेश्चन उठा दो, तो कभी किसी पिच को भारत के इशारे पर बनी बता दो। और जब ये सारे हथकंडे फेल हो जाएं, तो मजहब का एंगल निकालकर भारत में ही फूट डलवाओ। इसी नफरत में ये लोग कभी अफवाह फैला देते हैं कि देखो विकेट लेने के बाद शमी को सजदा नहीं करने दिया, अर्शदीप के कैच छोड़ने के बाद यही पाकिस्तानी फर्जी अकाउंट से उसे खालिस्तानी बुलाकर भारत में नफरत फैलाते हैं। और 10-20 सालों में अगर गलती से ये भारत से कोई मैच जीत जाएं, तो उस जीत में भी ये खुद मजहब ले आते हैं। फिर कोई वकार ये कह देता है कि मुझे बड़ा मजा आया कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी। कोई इंजी ये क्लेम करता है कि हम तो भज्जी का धर्म बदलवाने वाले थे। कोई कामरान अकमल अर्शदीप को लेकर सिखों पर घटिया मजाक करता है। और खुद ये लोग क्यों नहीं जीत पाते, इस बारे में ये कभी सोचते ही नहीं। खुद पाकिस्तानी न्यूज एंकर एक प्रोग्राम में बता रहा था कि 2007 वर्ल्ड कप के टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस मिस करके दूसरों को कन्वर्ट के लिए निकल पड़ते थे। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मजहब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। अब आप ही सोचिए, जिस मुल्क में नेशनल क्रिकेट टीम की प्रायोरिटी क्रिकेट की बजाय मजहबी एजेंडा हो, वो क्रिकेट में क्या ही गुल खिला लेगी। मगर ये ऐसी जाहिल कौम है जो कभी इन बातों पर गौर करेगी ही नहीं। वो दिन रात जूते खाएगी, हर दिन और गर्त में चली जाएगी, भूखी मर जाएगी, जलील होगी, मगर भूल कर भी अपनी गलती नहीं मानेगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने लो लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद गंदी जिंदगी जियो और दूसरों की तरक्की पर छींटाकशी करो, उनमें नुक्स निकालो, उस पर दिन रात छाती कूटो। इसलिए हे भगवान, जिंदगी में किसी को कुछ भी बना देना, चाहे तो सड़क पर भीख मंगवा देना, मगर ऐसी घटिया लाइफ मत देना जैसी बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जी रहे हैं। अब और क्या ही कहूं। बाकी इन छह से भूतियों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इन पड़ोसियों के किस घटिया रिएक्शन पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया, वो भी जरूर लिखिएगा। चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ये चैनल कम से कम आधी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम तो देख ले। इसलिए इसे दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद, और एक बार इंडिया इंडिया।